बस ने उतार दिया मेरे को आर्मी बैटल ऑनर मैस के बाहर। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये बांग्लादेश एम्बेसी है। कोई एजेंट के माध्यम से वीजा आवेदन जमा कराता है तो मिशन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये गेट नंबर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एजेंट नहीं चाहिए, कोई आप डायरेक्टली आके डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो। डॉक्यूमेंट मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ये है डॉक्यूमेंट। सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जसबीर सिंह, आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ बांग्लादेश का टूरिस्ट वीज़ा हम घर बैठे कैसे ले सकते हैं बिना किसी एजेंट के। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कितने दिन में वीज़ा आता है और कितने दिन का वीज़ा आपको मिलेगा, ये सारा एक ही वीडियो में मिल जाएगा आपको। इसी वीडियो में ए टू लेके जेड तक इन्फॉर्मेशन है। 2023 में बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो इसलिए पूरी वीडियो देख ले एंड तक। मैंने इसी वीडियो में आपको बता दूंगा अभी कहाँ में हमने जाना है, कहाँ पे वीज़ा मिलता है, किस एम्बेसी में जाना है और कहाँ पे एम्बेसी है, और आपको कौन सी बस पकड़नी है जो आपको एम्बेसी पे उतारेगी। डायरेक्ट एम्बेसी की बस बताऊंगा, डायरेक्ट एम्बेसी के बारे में उतारेगी आपको। आपको कोई मेट्रो चेंज करने की लोड नहीं पड़ेगी, कोई बस चेंज करने की लोड नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, कोई भी पॉइंट स्किप ना करना क्योंकि वीज़ा का मामला है, सब कुछ चौपट हो जाएगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देख लो। पहले क्रोम खोल लेते हैं, क्रोम में हाउ टू फिल वीज़ा फॉर्म सर्च कर लो। पहली साइट आएगी वीज़ा गवर्नमेंट PD, ये आपने ओपन कर लेनी है। उसके बाद ये क्लिक करके नेक्स्ट पे एंटर मार दो नेक्स्ट। अब ये ईमेल आईडी आ गई है, फर्स्ट पेज है ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ईमेल आईडी भर लो अपनी, मैं अपनी भर रहा हूँ, पासकोड जो भी नीचे है। एंटर मार के नेक्स्ट लेवल आ गया, ये Part 1 है, ये पूरा एप्लीकेशन है, ये पूरी एप्लीकेशन आपने फिल करनी है, वीज़ा फॉर्म ही है सारा। इंडिया करंट लोकेशन भर के फ़ोटो उसमें ऐड कर लो, फ़ोटो ऐड कर ली है। अब इसमें फर्स्ट नेम और सर नेम, आप जो भी पासवर्ड में आपका लिखा हुआ है, जसबीर सिंह मेरा लिखा हुआ तो मैंने जसबीर सिंह भर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भरना है अपना, जहाँ पे आप रहते हो, तो भर दिया। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना, ये तो एक डमी मैंने डाला है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं बांग्लादेश का एड्रेस, जहाँ पे आप जा रहे हो। हर एक फॉर्म में आपको एड्रेस भरना पड़ता है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ का एड्रेस भर रहा हूँ, तो आपने जहाँ पे होटल बुकिंग कराई है उस होटल का भी एड्रेस भर सकते हो। अगर किसी रिलेटिव के पास या फ्रेंड के पास जा रहे हो तो उसका भी एड्रेस आप भर सकते हो इसके अंदर। तो इसमें एक एग्जांपल के लिए मैंने जैसे भर दिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भरना है और डेट ऑफ बर्थ भर लेना। उसके बाद जो भी आप मेल हो या फीमेल हो, प्लेस ऑफ इंडिया मेरा इंडिया है, तो प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया मेरी, तो बर्थ कंट्री भी इंडिया ही है। और ऑक्यूपेशन पे आते हैं, बिजनेस ऑक्यूपेशन मेरा, मैं बिजनेस करता हूँ तो इस करके बिजनेस भर दिया है, मैरिड हूँ मैं बस। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट पे आ जाओ। पेज नंबर Part 2 खुल गया, टाइप ऑफ वीज़ा एनरोलमेंट, तो वीज़ा एनरोलमेंट है मेरी, न्यू वीज़ा एप्लीकेशन है, तो बस सेव और नेक्स्ट। आगे है दिस लॉगिन एप्लीकेशन आईडी, और ये फ़ोटो खींच लो इसकी, ये आपकी लॉगिन एप्लीकेशन आईडी है और पासवर्ड है इसका वीज़ा के लिए, ये फ़ोटो खींच लिए। ये Part 3 खुल गया, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, अपने पासपोर्ट का नंबर भर दो, मैंने रैंडमली भर दिया, कुछ भी आप भर, मतलब जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो भर दो। ऑर्डिनरी है मेरा तो भाई सिंपल है, अगर आप डिप्लोमेट हो तो डिप्लोमेट भर सकते हो, नहीं तो आप भी ऑर्डिनरी हो तो ऑर्डिनरी भरो। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से पासपोर्ट इशू हुआ था, एक्सपायरी और इशू डेट भरनी है। हैव यू विजिटेड बांग्लादेश, नो करके नेक्स्ट कर देना। पेमेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं भरनी है इसमें, कोई हम पेमेंट नहीं अभी कुछ हम पे कर रहे, तो इसलिए इसको नेक्स्ट कर दो। न्यू वीज़ा एप्लीकेशन Part 5 खुल गया, और इसमें पर्पस ऑफ विजिट क्या है आपका, मेरा है पर्पस ऑफ विजिट है टूरिज्म का, टूरिज्म मेरा पर्पस ऑफ विजिट है, और कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, और अराइवल डेट क्या है मेरी, मेरी है 10 दिन 17 तारीख की मेरी अराइवल डेट है,
तो कितनी एंट्री चाहिए मेरे को? सिंगल एंट्री चाहिए। अब आ गया पार्ट 6, बांग्लादेश वीज़ा ऑफिस इंफॉर्मेशन। मैं कहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री में, दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली, इसमें हमने सर्च कर लेना, आ गया न्यू दिल्ली। तो पार्ट 6 है, सेव कर लो। अब ये लास्ट है, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आ गई है, इसमें पासपोर्ट कॉपी और फोटो ये सेव कर लो इसके अंदर। और तो आपने तो बहुत कुछ लेके जाना है, बट इस फॉर्म के लिए आप इन्फॉर्मेशन सही है जो मैंने दी है। उसके बाद ये फिनिश, थैंक यू फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, नाउ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो ईमेल आईडी आ गई आपकी, और इसमें आपकी एप्लीकेशन आईडी आ गई है। नीचे टाइमिंग दे रखा है, मगर इस टाइमिंग पे मत बिलीव करना, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। 11 से 12 ही आपकी वीज़ा फाइल एक्सेप्ट करते हैं। बस इसको फिनिश करके डाउनलोड कर लें, बस ये एप्लीकेशन खुल गया। बस बता देता हूँ आपको, बस कहाँ से मिलेगी? बस मिलेगी ISBT से, ISBT की बैक साइड। अब जैसे बस स्टैंड के अंदर आ गए, पिछले गेट से आप निकलोगे ना बाहर, तो वहाँ पे आपको 729 नंबर, ये जो बस देख रहे हो ना। मैं आ गया हूँ ISBT बस स्टैंड के बाहर, और ये बैक साइड है यहाँ से, ये सामने KFC है, और यहाँ से बस लेनी है मेरे को 729 नंबर बस लेनी है बांग्लादेश हाई कमीशन के लिए। ISBT से आपको बस लेनी है धौलाकुआं की। आपको लगेंगे आपके जो AC वाली बस है वो उसके लगेंगे 25 रुपये, जो विदाउट AC बस है उसके लगेंगे 15 रुपये। तो धौलाकुआं आपको उतरना है, धौलाकुआं से पहले ही आपको उतर जाना है, सरदार पटेल मार्ग है वहाँ पे, राइट हैंड साइड पे आप जैसे आप जा रहे हो, राइट हैंड साइड पे फाउंटेन है और लेफ्ट हैंड साइड पे ताज पैलेस है। बस ने उतार दिया मेरे को आर्मी बैटल ऑनर मैस के बाहर, सरदार पटेल मार्ग है ये जो मार्ग है, सरदार पटेल मार्ग है, फाउंटेन के सामने आपने यहाँ पे उतर जाना है, और यहाँ से सीधा जाएंगे हम राइट हैंड टर्न करके, बांग्लादेश का हाई कमीशन आ जाएगा। ये इसका रोड का नाम अलेक्जेंडर एम कदाकिन मार्ग। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये बांग्लादेश एम्बेसी है, ये गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 1 और 2 आगे है, ये एम्बेसी है, यहाँ पे वीज़ा गेट है। गेट नंबर 3 पे वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच नवीनतम संशोधित यात्रा समझौते के अनुसार वीज़ा मुफ्त है, इसलिए बांग्लादेश वीज़ा के लिए भारतीय नागरिकों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। हम व्यक्तिगत रूप से वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिकों का स्वागत करते हैं। मिशन के पास वीज़ा प्रसंस्करण और मिशन को जमा कराने के लिए कोई एजेंट या नहीं है। यदि कोई एजेंट के माध्यम से वीज़ा आवेदन जमा कराता है तो मिशन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये गेट नंबर 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई एजेंट नहीं चाहिए, कोई आप डायरेक्टली आके डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो। डॉक्यूमेंट मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ये है डॉक्यूमेंट। तो अब डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका लगेगा वीज़ा फॉर्म, दूसरा आधार कार्ड, तीसरे 2 फोटोज़ लगेंगी पासपोर्ट साइज़ की, बेस उसका होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए बेस वाइट कलर का, और आपका 80% फेस उसमें आना चाहिए। और उसके बाद है जी बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, कोविड सर्टिफिकेट, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ की होनी चाहिए कम से कम। पासपोर्ट आपका 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए कम से कम, ये बात जरूर याद रखना। तो अब आ जाते हैं टाइम पर, कितने बजे आपको एम्बेसी में पहुंचना है। एम्बेसी में आपको नेट 11 बजे एम्बेसी में आपको गेट के बाहर होना चाहिए। 11 से 12 के लिए खुलती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे संडे ऑफ होता है, मंडे टू फ्राइडे 11 to 12। लास्ट में आ जाते हैं वीज़ा फीस, वीज़ा फीस इसकी है 0 पैसे। इंडियंस को 1 पैसा नहीं देना, 1 शुल्क नहीं देना, इंडियंस को फ्री में वीज़ा मिलता है। और वीज़ा मिलेगा फर्स्ट टाइम आपको मिलेगा 30 दिनों का, आपने वैसे भी 30 दिन का ही लेना सिंगल एंट्री। आपको बताना पड़ेगा कितने दिन में आपने, कितने दिन का आपका ड्यूरेशन है वहाँ पे, आपका स्टे की ड्यूरेशन क्या है। आप जैसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बता सकते हो, बट जो आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा मिलेगा वो सिंगल एंट्री 3 महीने के लिए वैलिड है, 30 दिन के लिए। 30 दिन के लिए आप बांग्लादेश में घूम सकते हो, सिंगल एंट्री है, एक बार ही आना एक बार ही जाना, सिंगल एंट्री, और 30 दिन की ड्यूरेशन है, यानी कि मैं अगले महीने जा सकता हूँ, या से उससे अगले महीने जा सकता हूँ, या उसके अगले महीने जा सकता हूँ, बट 30 डेज़ के लिए मेरे को वीज़े की एंट्री है, 30 दिन की ड्यूरेशन है जो वीज़ा की ड्यूरेशन है। फिर भी आपको कोई डाउट है
तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये है बांग्लादेश एम्बेसी गेट नंबर 1-2 और जो पीछे दिखाया था गेट नंबर 3 जहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। स्टार्टिंग में जब आप आओगे यहाँ से बाहर मेन रोड से आओगे तो ये पहले गेट पे ही आपने चले जाना, ये गेट नंबर 3 है, तीसरे नंबर पे ही है इसका गेट और यहीं पे खिड़की है, वो सामने आपको दिखाई है, दरवाज़ा लगा हुआ है, वहीं से बाहर निकलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट कैरी कर लेंगे। सिक्योरिटी रीज़न करके मैं उस टाइम आपको दिखा नहीं पाया, मैं तो अपने डॉक्यूमेंट दे आया हूँ, अब वीज़ा लेने के लिए मैं आ जाऊँगा, पासपोर्ट भी वहीं से मिलेगा आपको। डॉक्यूमेंट जमा करा दिए हैं, 2 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, 2 हफ्ते बाद दोबारा आना है और वीज़ा पिक करने के लिए है। तो प्रोसेस सारा 5 मिनट का था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट ये भी सिक्योरिटी रीज़न करके वो कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पे। 11 से 12 के बीच में आपको वीज़ा मिलता है और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट भी आपको 11 से 12 के जमा होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो और भी इससे भी मस्त होने वाली है। उस जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये मेरा ट्रैवल चैनल है तो इसमें मैं ट्रैवलिंग की वीडियो डालता हूँ। अभी रिसेंटली मैं श्रीलंका होकर आया था, 5,000 रुपये में 10 दिन मैं कैसे घूमा था वो सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा श्रीलंका वाली में। अभी मैं रिसेंटली नेपाल होकर आया हूँ, 40 रुपीज़ में मैं नेपाल गया था, 40 रुपये में नेपाल पहुँच गया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हो, बहुत मस्त सीरीज थी, चार ही वीडियो डाली हैं उसकी। उससे पहले श्रीलंका गया था, उससे पहले मलेशिया और थाईलैंड भी घूम के आया हूँ, थाईलैंड से मलेशिया में वाया ट्रेन गया हूँ, वो भी आप वीडियो देख सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है।